या जमीन पर बैठकर योगा करने से आपको परेशानी होती है तो कोई बात नहीं, आप इसे चेयर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, प्रीटी फिट देख रहे हैं आप और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ आसनों को कुर्सी पर बैठकर करना। कुर्सी पर बैठकर करना इनके बेसिक रूल से थोड़ा अलग हो सकता है, बावजूद इसके आपको इसके ढेर सारे फायदे मिलेंगे। सबसे पहला है सीटेड ईगल पोज यानी गरुड़ आसन, जिसे हम कुर्सी पर बैठकर करेंगे। कुर्सी पर सीधी कमर करके बैठें। अब अपने दाएं पैर को उठाकर बाएं पैर पर इस तरह से लपेट लें। इसी तरह दाएं हाथ को बाएं हाथ पर लपेटते हुए नमस्कार की स्थिति में आ जाएं। अब कुछ देर इसी पोज में रुकें। इसके बाद रिलैक्स करें। एक बार फिर ट्राई करेंगे। हाथों को लपेटते हुए इनहेल करें और वापस आते हुए एक्सहेल करें। इस पोज में अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही रुकें। अगर आपको पैरों को इस तरीके से लपेटने में परेशानी हो रही हो तो इन्हें जमीन पर ही टिकाए रखें और हाथों को लपेटकर इस आसन की प्रैक्टिस करें। इस आसन को एक समय में 3 से 4 बार किया जा सकता है। दूसरा आसन है सीटेड चाइल्ड पोज यानी बालासन, जिसे हम बैठकर करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर ज्यादा से ज्यादा झुक जाएं। कोशिश करें कि आपके हाथ जमीन को या फिर पैरों को छू सकें। इस पोज में कुछ देर रुकें। इसके बाद ऊपर आकर रिलैक्स करें। एक बार फिर ट्राई करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं और ब्रीथ होल्ड करने में परेशानी हो रही है तो नीचे जाकर ब्रीदिंग नॉर्मल कर लें। इस आसन को एक समय में 4 से 5 बार किया जा सकता है। तीसरा है सीटेड एंगल पोज यानी गत्यात्मक मेरु वक्रासन। इसे करने के लिए कुर्सी पर बैठकर नीचे झुकें, दाएं हाथ को मोड़कर इस तरीके से पेट के पास रखें और बाएं हाथ को बाएं पैर के पास रखें। अब इनहेल करें और बाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाकर इस तरीके से फैला लें। आप चाहें तो दाएं हाथ से कुर्सी को पकड़ सकते हैं ताकि आपका बैलेंस बना रहे। अब बाएं हाथ की ओर देखें। कुछ देर इस पोज को होल्ड करें। इसके बाद वापस आकर रिलैक्स करें। एक बार फिर ट्राई करेंगे। पीछे जाते समय अपने शोल्डर और चेस्ट को ज्यादा से ज्यादा खोलने की कोशिश करें। अब हम दूसरे हाथ से इसे ट्राई करेंगे। इस बार बाएं हाथ को फोल्ड करके पेट के पास रखें और दाएं हाथ को दाएं पैर के पास। अब दाएं हाथ को उठाकर पीछे ले जाएं। अगर आप बिगिनर हैं तो ब्रीथ होल्ड ना करें, हाथ को पीछे ले जाने के बाद छोटी छोटी सांसें लेते रहें। इस आसन को एक समय में दोनों हाथों से 10-10 बार किया जा सकता है।